हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा सेवेंथ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसके जो सेकंड यूनिट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास सेकेंड यूनिट के अंदर सिक्स टॉपिक्स है, जिसमें से थ्री टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा फोर्थ टॉपिक है मेडिकेशन एडियरेंस, इसे इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एंड नोट्स जो हैं वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के, तो आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको समझ नहीं आए कि नोट्स किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, तो एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पर कि किस तरीके से आप नोट्स जो हैं वेबसाइट से डाउनलोड कर सकें, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिलेबस के अंदर मेडिकेशन एडियरेंस के अंदर क्या क्या टॉपिक है वो हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेडिकेशन एडियरेंस के अंदर सबसे पहले कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडियरेंस, फार्मासिस्ट रोल इन द मेडिकेशन एडियरेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडियरेंस। ठीक है, इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ तीन ही टॉपिक्स हैं, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक ही हमारे पास में रहने वाला है। बाकी जो नोट्स आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे, वहाँ पर आपको हर एक एक पॉइंट जो है वो डिटेल के अंदर एंड तरीके से जो है डेफिनेशन में लैंग्वेज में लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर तो बहुत ही पॉइंट्स के अंदर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप नोट ज़रूर एक बार चेक करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि मेडिकेशन एडियरेंस का मतलब क्या होता है। तो सिंपली इसका मतलब ये होता है, जैसे डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट को दवाई दी, ठीक है, अब पेशेंट ने उनको बोल दिया हाँ ठीक है हम दवाई ले लेंगे, अब रियल में पेशेंट जो है वो टाइम टू टाइम दवाई ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, यही सिंपली मेडिकेशन एडियरेंस कहलाता है। ठीक है, तो सिंपली WHO के अकॉर्डिंग जो मेडिकेशन एडियरेंस की डेफिनेशन होती है वो ये रहती है, मेडिकेशन एडियरेंस इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच द पर्सन्स बिहेवियर करस्पॉन्ड्स विद द एग्रीड रिकमेंडेशंस फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब सिंपली जो मतलब कोई पेशेंट है, ठीक है, उनका जो बिहेवियर है वो जो उन्होंने फार्मासिस्ट के सामने या फिर डॉक्टर के सामने कहा था कि हम लोग दवाई ले लेंगे, तो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यही जो है सिंपली मेडिकेशन एडियरेंस कहलाता है। ठीक है, तो सिंपली जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है दवाई के लिए कि वो दवाई टाइम टू टाइम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, जैसा कि रिकमेंड करा गया था हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा, मतलब फार्मासिस्ट या फिर फिजिशियन के द्वारा। ठीक है, तो यही सिंपली जो है हमारा मेडिकेशन एडियरेंस कहलाता है। अब मेडिकेशन एडियरेंस जो है इसका सिंपली यही मतलब हो गया कि जैसे जिसने दवाई दी थी, ठीक है, उसके साथ में पेशेंट ने कंफर्म करा है कि हाँ भाई हम इस दवाई को ले लेंगे, अब वो उस दवाई को टाइम टू टाइम सही डोज में सही फ्रीक्वेंसी में ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वही सिंपली हमारा मेडिकेशन एडियरेंस कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में तीन टर्म्स होती है, पहली आती है एडियरेंस। एडियरेंस का मतलब हुआ कि पेशेंट ने कंफर्म कर दिया, जैसा कि डॉक्टर ने कहा था कि दवाई लेनी है, तो पेशेंट ने कहा ठीक है हम ले लेंगे। ठीक है, दूसरा था कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब ये है कि पेशेंट रियल में इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए गए हैं उसे फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दवाई टाइम टू टाइम ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। देन परसिस्टेंस का मतलब ये है कि पेशेंट जो है वो दवाई बिल्कुल रेगुलरली हर दिन टाइम पे ले रहे हैं नहीं ले रहे, एंड देन अगर प्रिस्क्रिप्शन को रीफिल कराने के लिए बोला गया कि भाई इतने टाइम बाद आप वापस दवाई ले लेना, तो वापस आ रहे हैं दवाई लेने के लिए नहीं, वो सिंपली हमारा परसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब जो मेडिकेशन एडियरेंसेस की इम्पॉर्टेंस क्या है, तो कुछ ना ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पर अगर हम टाइम से दवाई नहीं लेते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है एंड बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिंपल जैसा हमारा सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, वो तो हमने दवाई ली नहीं ली काम चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ जो जैसे कुछ क्रॉनिक डिजीजेज हो गई, जैसे डायबिटीज़ हो गई, उसमें टाइम टू टाइम दवाई लेनी ज़रूरी होती है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसमें अगर टाइम टू टाइम दवाई नहीं लेंगे तो तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा लेवल तक ख़राब हो सकती है। देन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जैसे थायरोक्सिन की हो गई, इंसुलिन की हो गई, तो उसमें भी टाइम टू टाइम जो है दवाइयों को लेना एंड जो मतलब टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। देन कुछ वही जैसे हमारे पास डायबिटीज़ की दवाई है, तो उसके अंदर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब टाइम से दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो मतलब अगर उनका इफेक्ट हम लोग को चाहिए तो उनका एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहना चाहिए, जैसे कि एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है उनके लिए। ठीक है, एंड कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है कि पेशेंट अगर दवाई टाइम से नहीं ले रहा तो बीमारी बढ़ जाती है, जैसे कि TB हो गया, HIV हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ केसेस होते हैं जहां पर मेडिकेशन एडियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब पेशेंट का टाइम टू टाइम दवाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में आएगा कॉजेज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडियरेंस। तो मेडिकेशन नॉन एडियरेंस के कारण क्या होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर देखना है।
मेडिकेशन नॉन एडियरेंस का सिंपली ये मतलब है कि पेशेंट जो हैं वो दवाई टाइम से नहीं ले पा रहे हैं। अब दवाई नहीं लेने का कारण जो है वो पेशेंट का खुद का भी हो सकता है, या फिर उन्हें दवाई किस तरीके से लेनी है वो समझ ही नहीं आए, ये सब हो सकता है। तो यही सब हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि पेशेंट टाइम से दवाई नहीं ले पा रहे हैं, वो मेडिकेशन एडियरेंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकेशन नॉन एडियरेंस हो रहा है मतलब दवाइयाँ टाइम पर नहीं ली जा रही हैं, तो उसके कारण क्या है वही चीज़ें हम लोग इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कारण जो है WHO के अकॉर्डिंग हमारे पास में 5 रीजंस होते हैं मेडिकेशन नॉन एडियरेंस के। ठीक है, सबसे फर्स्ट आता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स मतलब पेशेंट से रिलेटेड कुछ कारण जिसकी वजह से दवाइयाँ जो हैं वो टाइम से नहीं ली जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे कॉमन जो रीज़न आता है वो आता है फॉरगेटफुलनेस, मतलब पेशेंट ने कहा कि मैं तो भूल गया दवाई लेना, तो सबसे मेन रीज़न यही होता है। देन आता है अदर प्रायोरिटीज़, मतलब कुछ दूसरे काम हैं पेशेंट के पास में जिसकी वजह से वो उस टाइम पर दवाई नहीं ले पा रहे। देन कभी कभी कुछ और काम होता है तो पेशेंट खुद ही बोल देते हैं हाँ मुझे नहीं लेनी दवाई, तो फिर वो नहीं लेते, या फिर कभी कभी उन्हें उनकी बीमारी की अच्छे से इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि दवाई लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से भी वो दवाई नहीं ले पाते। लेकिन कभी कभी इमोशनल रीजंस हो जाते हैं उसकी वजह से वो दवाई नहीं ले पाते, एंड बहुत सारे टाइम तो पेशेंट जो है वो रीज़न देते ही नहीं है कि उन्होंने दवाई क्यों नहीं ली। ठीक है, देन इसके बाद में जैसे पेशेंट जो है उन्हें अपनी बीमारी का अच्छे से नहीं पता होता, या फिर उन्हें ये लगता है कि यार अगर मैं दवाई खाऊंगा तो कुछ साइड इफेक्ट आ जाएंगे तो इसलिए मैं नहीं खाता हूँ, ऐसा भी होता है। या फिर पेशेंट जो है उनकी एज बहुत ज़्यादा है तो फिर उन्हें ध्यान ही नहीं रहता दवाई वगैरह लेने का, या फिर कुछ साइकाइट्रिक डायग्नोसिस मतलब किसी को माइंड से रिलेटेड ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है तो फिर उन्हें वैसे ही कभी कभी याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता दवाई लेना, तो वो दिक्कत हो सकती है। देन कोई पेशेंट है ठीक है उन्हें दिखाई नहीं देता या फिर सुनाई नहीं देता, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है दवाई ना लेने का। देन कुछ लोगों को होता है कि मैं टैबलेट जो है वो सटक ही नहीं सकता, कैप्सूल जो है वो सटक ही नहीं सकता, तो स्वेलोइंग की प्रॉब्लम जो है वो भी कुछ लोगों को रहती है। ठीक है, दूसरा कॉज हमारे पास आता है थेरेपी रिलेटेड फैक्टर्स। थेरेपी से रिलेटेड फैक्टर्स मतलब जो फिजिशियन के द्वारा थेरेपी बताई गई है उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से मेडिकेशन नॉन एडियरेंस हो रहा है। तो या तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेडिकेशन रेजिमेंट मतलब जो दवाई लेने की बताई गई है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि भाई पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा तो इस वजह से वो दवाई नहीं ले पा रहे, या फिर जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी है बहुत लंबे टाइम तक थेरेपी चलने वाली है तो भी पेशेंट ऐसे सोचता है यार इतने लंबे टाइम तक कौन दवाई लेगा, इससे बढ़िया तो रहने ही देते हैं। देन लैक ऑफ इमीडिएट बेनिफिट मतलब दवाई लेते ही साथ साथ कोई इफेक्ट नहीं आता तो पेशेंट ऐसे सोचता है कि इफेक्ट आ ही नहीं रहा तो फिर वो दवाई लेना बंद कर देते हैं, या फिर जो दवाइयाँ दी जा रही है वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट जो है वो उसकी लाइफस्टाइल को इंटरफेयर कर रहा है पेशेंट की को, तो वहाँ पर भी दवाई लेने में जो है वो दिक्कतें आती हैं। जैसे कभी कभी कुछ दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं और बोलते हैं कि इस दवाई को खाने के बाद में 2 घंटे तक आप ड्राइव नहीं कर सकते, तो इससे कुछ पेशेंट को दिक्कत आ सकती है, उनका काम रुक सकता है, तो वहाँ पर भी दवाई जो है वो लोग नहीं लेते हैं। देन नेक्स्ट कॉज आता है डिजीज़ और कंडीशन रिलेटेड फैक्टर, मतलब बीमारी से रिलेटेड फैक्टर या फिर उसकी जो कंडीशन है उससे रिलेटेड फैक्टर। जैसे कुछ पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक बीमारियां होती हैं तो उसकी वजह से दवाई नहीं ले पाता, या फिर कुछ पेशेंट को डिप्रेशन है ठीक है, अब उन्हें डिप्रेशन है तो फिर उन्हें याद ही नहीं रहता कि दवाई लेनी है नहीं लेनी है क्या करना है, तो वो भी एक दिक्कत आ सकती है। देन साइकोटिक डिसऑर्डर वही कि ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ हैं तो फिर ध्यान नहीं रहता, या फिर उनकी मेंटल स्टेट ऐसी होती ही नहीं है कि उन्हें पता रहे कि हमें दवाई लेनी है नहीं लेनी, या फिर लैक ऑफ सिम्टम्स मतलब अगर कोई सिम्टम आ ही नहीं रहा तो लोग यही सोचते हैं कि फिर दवाई लेके क्या करना है जब कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, तो वो वाले फैक्टर्स जो हैं। तो ये सिंपली हो गए डिजीज़ या फिर कंडीशन रिलेटेड फैक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड फैक्टर, मतलब जो वहाँ पर हमारे फार्मासिस्ट है फिजिशियन है उनसे रिलेटेड कोई फैक्टर हो गया, या फिर हॉस्पिटल कंप्लीट उस सिस्टम से रिलेटेड फैक्टर हो गया। जैसे बहुत देर तक अगर पेशेंट को इंतज़ार करना पड़ता है तो वो दवाई लेते ही नहीं है, वो ऐसे ही चले जाते हैं। कभी कभी प्राइस बहुत ज़्यादा होता है दवाइयों का तो वो भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब जो दवाई दे रहे हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो भी कभी कभी दवाई नहीं लेते हैं पेशेंट। दवाई देने वाले एंड जो पेशेंट है उनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छे से चीज़ों को समझाएं एंड पेशेंट अच्छे से चीज़ों को समझे तो ही वो दवाई लेते हैं। देन जो प्रोवाइडर है दवाई का वो अच्छे से बताए नहीं कि हाँ दवाई लेना कितना ज़रूरी है, सो ये कुछ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। ठीक है, लास्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आ गया जैसे कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है पेशेंट को कि हाँ वो दवाई ले टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट कराए, या फिर मतलब लैंग्वेज का इशू है कि जो फार्मासिस्ट हैं या फिर जो प्रिस्क्राइबर्स फिजिशियंस हैं उनकी लैंग्वेज अलग है एंड जो पेशेंट है उसकी लैंग्वेज अलग है तो वो उस चीज़ को ही नहीं समझ पाए, तो वो वाली दिक्कत हो सकती है, या फिर हेल्थ लिटरेसी कम हो
मतलब पेशेंट जो है उनको ध्यान ही नहीं है कि हाँ भाई हमारी जो दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ी है, हम अगर उसे टाइम से ठीक कर लेंगे तो वो सही रहेगा, ये वाली चीज़ है। देन दवाई की कॉस्ट आ गई, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास में सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे कॉजेज हो गए, कारण हो गए मेडिकेशन नॉन एडियरेंस के, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फार्मासिस्ट रोल इन मेडिकेशन एडियरेंस, मतलब पेशेंट टाइम टू टाइम दवाई ले, मेडिकेशन एडियरेंस, इसके अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है वो हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। तो फार्मासिस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक रोल रहता है, क्योंकि वो दवाई को अच्छे से समझते हैं, तो वो पेशेंट को अच्छे से समझा सकते हैं कि उन्हें दवाई जो है वो किस तरीके से लेनी है, किस टाइम पर लेनी है। तो यही सबसे मेन रोल जो है वो फार्मासिस्ट का रहता है, ठीक है। साथ साथ फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि वर्बल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब बोल करके अच्छे से समझाते हैं पेशेंट को, ठीक है। साथ साथ रिटन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी पेशेंट को देते हैं। देन उसके बाद में फार्मासिस्ट जो है वो ओल्ड एज पीपल को अच्छे से बैठा करके प्यार से तरीके से जो है उनको समझा सकते हैं कि उनकी बीमारी क्या है, एंड अगर वो टाइम से दवाई नहीं लेंगे तो क्या दिक्कत जो है वो आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में फार्मासिस्ट का काम ये रहता है कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, ठीक है, उनके साथ में मिलकर के एक अच्छी एंड बेटर ड्रग थेरेपी जो है वो पेशेंट के लिए तैयार करवाएं। देन इसके बाद में फार्मासिस्ट का ये काम रहता है कि वो पेशेंट को अच्छे से समझाएं, एजुकेट करें इस चीज़ के ऊपर कि उन्हें मल्टीपल दवाइयाँ, मतलब 3-4 दवाइयाँ जो है वो एक साथ क्यों लेनी है, किस तरीके से वो सारी दवाइयाँ मिलकर के काम करती हैं, क्यों जो है उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए टाइम टू टाइम दवाइयाँ लेना ज़रूरी है। उसके बाद में वो पेशेंट को बता सकते हैं कि आप इतने दिनों बाद जो है वापस से आ जाना, दवाई लेकर के वापस से जाना, ठीक है। एंड उसके बाद में क्लोजली पेशेंट एंड फिजिशियन के साथ मिलकर के काम करते हैं, जिससे कि अगर पेशेंट को कोई भी मतलब चेंजेस चाहिए कि मेरे को ये दवाई इस टाइम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए वो पेशेंट एंड फिजिशियन के साथ क्लोजली मिलकर के काम जो है वो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंफॉर्मेशन दैट फार्मासिस्ट शुड इम्पार्ट टू पेशेंट। तो फार्मासिस्ट को पेशेंट को जो इन्फॉर्मेशन ज़रूर से देनी होती है वो क्या होती है, सबसे पहला नेम एंड पर्पस ऑफ मेडिकेशन, मतलब जो दवाई है उसका नाम क्या है एंड उसका पर्पस क्या है, उसका काम क्या है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या कर रही है, वो चीज़ साफ साफ वहाँ पर बतानी होती है। देन मेथड एंड टाइम ऑफ टेकिंग द मेडिकेशन, मतलब किस तरीके से दवाई को लेना है एंड किस टाइम पे लेना है, ये चीज़ बताना होता है। देन पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हैं दवाई के, वो बताने हैं। देन नेसेसरी प्रिकॉशंस, दवाई को लेते टाइम क्या क्या चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है वो चीज़ बतानी है। देन इंटरेक्शंस जो है वो जो खाने के साथ या दूसरी दवाई के साथ हो सकते हैं वो साफ साफ बताना है। देन ड्यूरेशन क्या है थेरेपी का, मतलब कब तक ये दवाइयाँ चलेंगी वो चीज़ बतानी है। देन अगर कोई भी डोज गलती से मिस हो गया तो क्या करना है वो चीज़ भी पेशेंट को बतानी है, एंड किस तरीके से पेशेंट जो है वो आकर के बता सकता है कि भाई दवाई काम कर रही है नहीं कर रही, वो तरीका जो है वो भी फार्मासिस्ट को पेशेंट को बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पेशेंट फार्मासिस्ट रिलेशनशिप इम्प्रूव। तो पेशेंट एंड फार्मासिस्ट का रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव हो सकता है, जिसकी मदद से क्या होगा कि पेशेंट जो है वो टाइम टू टाइम दवाइयाँ ले सके एंड अच्छा इफेक्ट जो है वो आ सके एंड वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो उसके लिए पेशेंट फार्मासिस्ट का रिलेशनशिप जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब वो अच्छा किस तरीके से होगा, फार्मासिस्ट जो है वो फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल होने चाहिए, ठीक है, उनका बात करने का तरीका जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद में वो क्लियर एक्सप्लेनेशंस दे, अगर पेशेंट कुछ भी पूछ रहा है तो वो बिल्कुल तरीके से उसका जवाब दे। देन वो पेशेंट्स को एनकरेज करें कि अगर उनको कोई भी दिक्कत है तो वो आराम से खुल कर के बात कर सकते हैं। देन जो भी साइड इफ़ेक्ट्स उनको आ रहे हैं उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें। देन ऐसी लैंग्वेज में बात करें जो पेशेंट को समझ में आए, ठीक है। देन पेशेंट की साइकोलॉजिकल नीड्स क्या है उसे समझे, ठीक है। देन पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो किसी भी चीज़ को किस तरीके से समझते हैं उस चीज़ का ध्यान रखें। देन जो ट्रीटमेंट के डिसीजन लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पेशेंट से भी पूछे कि आपको इस चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो भी दवाई लेने का तरीका है उसे ईजी से ईजी बनाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद में मतलब जो भी पेशेंट कह रहा है उसे आराम से सुने एंड उन्हें समझने की कोशिश करें। उसके बाद में पेशेंट की जो भी विशेज हैं उसे भी ध्यान से समझते हुए ही दवाइयों को देने का जो तरीका है, डोजेज रेजिमेंट जो है उसे उसी तरीके से डिसाइड करें। देन फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट को कहीं ना कहीं मतलब दवाइयाँ जो है वो टाइम टू टाइम लेने में हेल्प करे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास में, ठीक है। सबसे पहला तो ये है, जैसे पेशेंट हमारे पास में आया, उन्होंने बोला कि रिजल्ट जो है दवाई का नहीं आ पा रहा है, तो सबसे पहले तो हमें रीज़न जो है वो ये समझना है कि मेडिकेशन नॉन एडियरेंस की वजह से जो है दवाई का रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि
एक रूटीन प्रोसेस जो है वो डेवलप करेंगे मेडिकेशन एडियरेंस के बारे में डिस्कस करने के लिए, कि पेशेंट से हम लोग बात करेंगे कि आप टाइम टू टाइम दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप बताएं। तो एक ब्लेम फ्री एनवायरनमेंट जो है वो बनाएंगे कि भाई अगर पेशेंट ने दवाई नहीं ली तो उन्हें ब्लेम नहीं करना है, आराम से उनकी बात को सुनना है, ठीक है। उसके बाद में कारण जानना है कि पेशेंट जो है वो टाइम से अपनी दवाई क्यों नहीं ले पा रहे हैं। उसके बाद में वो जो भी अपना कारण बताते हैं उससे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है एंड पेशेंट को थैंक यू बोलना है कि आपने अपनी जो भी दिक्कत है वो हमसे शेयर करी, ठीक है। उसके बाद में हर एक इंडिविजुअल पेशेंट जो है उनके लिए नॉन एडियरेंस का सल्यूशन निकालना है कि वो दवाई नहीं ले पा रहे तो अब इसका सल्यूशन हमारे पास में क्या है, तो सल्यूशन निकालना है। उसके बाद में ट्रीटमेंट प्लान जब डेवलप करेंगे तो उसके अंदर पेशेंट को भी इन्वॉल्व करना है एंड इस तरीके से फाइनली हम लोग को एक ऐसा प्लान जो है वो बनाना है जिससे कि पेशेंट जो है वो अच्छे से तरीके से दवाई ले सके एंड उनका अच्छा रिजल्ट जो है वो आ सके। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पर बच गया वो है मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडियरेंस, मतलब पेशेंट जो हैं उनके मेडिकेशन एडियरेंस को मॉनिटर करना, कि मतलब पता लगाना कि पेशेंट जो हैं वो टाइम से एंड सही डोज में एंड सही फ्रीक्वेंसी में दवाई ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, यही सिंपली हमारा मॉनिटरिंग का मतलब होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग सिंपली यही पढ़ेंगे कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट जो है वो टाइम टू टाइम दवाई ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, ठीक है। मॉनिटरिंग का सिंपली यही मतलब होता है कि ऑब्जर्व करना कि पेशेंट जो हैं वो टाइम टू टाइम अपनी दवाई ले रहे हैं या नहीं ले रहे, एंड ये पता लगाने के बाद में कुछ ऐसे मेथड्स को फॉलो करना जिसकी वजह से क्या है कि पेशेंट जो है वो टाइम टू टाइम दवाई ले सके एंड उसके बाद में अच्छा इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सके दवाइयों का, ठीक है। अब मॉनिटरिंग के हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं, एक तो आता है डायरेक्ट मेथड्स, एक आता है इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, या तो आप साफ साफ जैसे पेशेंट जब दवाई ले रहे हैं तो तभी हम उन्हें देखें कि हाँ भाई वो दवाई ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमें कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई पेशेंट मेडिकेशन एडियरेंस जो है वो हो रहा है, मतलब पेशेंट टाइम टू टाइम दवाई ले रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर जैसे लैब टेस्ट जो करे जाते हैं तो लैब टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं कि ड्रग की क्या कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, या फिर जो नॉन टॉक्सिक मार्कर्स दवाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसकी क्या कंसंट्रेशन है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, जैसे ब्लड हो गए, यूरिन, उसके अंदर, ठीक है। देन जो बायो मार्कर्स होते हैं उनके लिए लैब टेस्ट करा जाता है कि वो बॉडी के अंदर कितने प्रेजेंट है। तो सिंपली डायरेक्ट मेथड्स क्या हो गए, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि या तो डायरेक्टली देखें जब पेशेंट दवाई ले रहे हैं तो उन्हें हम देखें कि हाँ भी वो दवाई ले रहे हैं, या फिर कुछ अलग अलग तरह के लैब टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि पेशेंट जो है वो दवाई ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे। दूसरी तरफ हमारे पास आता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो है इसके अंदर सिंपली ये आता है, जैसे पेशेंट जब आए तो उनसे पूछा कि आपने कब कब दवाई ली, कितनी दवाई ली एंड ये सब, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जैसे कितनी दवाइयाँ बची है उसे काउंट करके पता लगाया जाता है। देन उसके बाद में ये देखा जाता है कि रिफ़िल रेट क्या है प्रिस्क्रिप्शन के, मतलब जो पेशेंट है वो कितनी बार दवाई लेने के लिए आए हैं उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेडिकेशन इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम है उसे यूज़ करा जाता है, या फिर पेशेंट अगर खुद की डायरी मेंटेन करे कि मैंने इस टाइम पर दवाई ली है तो उसके बेसिस पर, या फिर पेशेंट का जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स आ रहा है मतलब ड्रग का जो इफेक्ट है, बीमारी जो है वो कहाँ तक ठीक हुई है, कुछ इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना जो है वो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आता है, ठीक है। तो सिंपली इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर क्या हो गया कि हम पेशेंट से ही पूछ रहे हैं, या फिर जो दवाइयाँ बची हैं उन्हें काउंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर फार्मेसी रिफ़िल रेट जो है उसे पता लगा रहे हैं, या फिर पेशेंट की डायरी को देख रहे हैं, या फिर जो इफेक्ट आ रहा है उसकी बॉडी के अंदर उस चीज़ को चेक करें, वो हमारे हो गए इनडायरेक्ट मेथड्स। अब जो डायरेक्ट मेथड्स होते हैं ना ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है हमें पेशेंट को बोलना पड़ता है कि हाँ भाई हमें लैबोरेटरी टेस्ट चाहिए, या फिर उनको बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो रखना पड़ता है, एंड जनरली डायरेक्ट मेथड्स जो हैं ये एक्सपेंसिव हमारे पास रहते हैं एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होते कि हम बैठ करके बातचीत करें, वही सिंपली हमारा इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है, एंड इसमें कहीं ना कहीं मेडिकेशन एडियरेंस जो है उसका कहीं ना कहीं पता चल जाता है। बस दिक्कत ये आती है अगर पेशेंट खुद ही आगे से झूठ बोले, उन्होंने दवाई इधर उधर फेंक दी तो वो एक अलग बात है, नहीं तो अगर जनरली पेशेंट सच बताए तो इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा भी मेडिकेशन एडियरेंस का हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडियरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।